हरिओम एवं हरे राम, वेलकमिंग ऑल सत्संगीज टू द वेंसडे इवनिंग सत्संग ऑफ स्वामी धर्मदास दरबार साहब दिल्ली ऑन दिस वेरी ऑस्पिशियस दीपावली वीक. लेट अस स्टार्ट द प्रोग्राम विद अ ऋग वैदिक मंत्र एप्रोप्रिएट टू द ओकेजन. शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते. यानी मैं दीप की उस ज्योति को नमस्ते करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, जो शुभ करने वाला है, जो कल्याण करने वाला है, जो आरोग्य धन और संपदा देने वाला है, साथ साथ जो शत्रुत्व की भावना का विनाश करने वाला है. A wonderful prayer indeed. आई उसी के साथ सद्गुरुओं का जयकारा भी कर लें. बोलिए स्वामी धनदास साहब की जय, स्वामी अटल राम साहब की जय एवं स्वामी पेसुराम साहब की जय. तमसो मां ज्योतिर्गमय कहा है वेदों ने, यानी कि हे भगवान, हमें अज्ञान से यानी अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर ले चलो. और ले कौन जाते हैं? सभी संत महात्मा, हमारे ऋषि, हमारे मंत्र द्रष्टा, इन सब की भी जय. अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में ले जाने वाले तो गुरु ही होते हैं इस धरती पर. गुरु शब्द की व्युत्पत्ति भी यही कहती है. वो यानी अंधकार, रूप यानी उसे हटाने वाला या दूर करने वाला गुरु कहलाता है. अत्यंत पावन कार्तिक मास में हम प्रकाश के महापर्व दीपावली की दहलीज पर खड़े हैं. आइए देखते हैं कि कैसे रमा एकादशी से प्रारंभ कर भाई दूज को खत्म होने वाला यह पर्व श्रृंखला में शास्त्र की क्या सम्मति है. In a way, this entire week comprising six special days, beginning from Rama Ekadashi and ending with Bhai Dooj, is actually Deepavali. 1st November Rama Ekadashi कहलाती है, जो 1st November को थी. इस बार पौराणिक राजा मुचकुंद की सुपुत्री ने अपने मृत पति को पुनः एक ऐश्वर्यशाली साम्राज्य के राजा के रूप में पा लिया था. जब अगले जन्म में उसके लगातार इस एकादशी सॉरी पिछले जन्म में उसके लगातार इस एकादशी व्रत के कारण हुआ. और इसी दिन गोवत्स द्वादशी की भी शुरुआत होती है. इट इज कोलोकली कॉल्ड बसुबारस, आल्सो नोन एज नंदिनी व्रत, व्हेन बोथ द काउ एंड द काफ आर वर्शिप बाय फीडिंग देम व्हीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड द व्रती हिमसेल्फ और हरसेल्फ अब्स्टेन्स फ्रॉम दिस. भविष्य पुराण कहता है कि सबसे पहले राजा उत्तानपाद, जो स्वयंभू मनु के पुत्र थे और उनकी पत्नी सुनीति ने इस व्रत को रखा था, तो उन्हें ध्रुव जैसा तपस्वी और कल्याणकारी पुत्र प्राप्त हुआ. गोवत्स द्वादशी या बसुबारस के दिन दोनों विष्णु एवं शिव भगवान की पूजा होती है. द काउ बीइंग अ सिंबल ऑफ मदर अर्थ एंड सस्टेनेंस ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म्स. याद रहे कि भगवान विष्णु अपने कृष्ण अवतार में गायों को विशेष प्रिय थे, इसलिए उनका एक नाम गोविंद भी है. बोलिए ओम श्री गोविंदाय नमः. कृष्ण गोकुल में गायों के रखवालों का काम करते थे. As J.P. Vaswani ji puts up beautifully, wonderful in the world's history is Krishna's love for the cow, for whom and for the simple villager. Krishna played the murli and rejoiced among them. Never ever did he play the flute for those with big purse and big power. Indeed, the bane of modern civilizational construct, especially urban life, is that there is a great disconnect from nature, and it is from and also from our own inherent divinity. But of course, that is a topic for another occasion. Not coincidentally, therefore, 1st of November, yani Rama Ekadashi evam Govats Dwadashi wala din, ek aise Sindhi Sant Shiromani ka Shahidi Divas bhi tha, jo swayam bade humble beginnings ke the, jo Bhagat Sant Parampara ke Mahan Karmyogi, Danveer, Garibon ke Deenheen Masiha,
परम त्यागी तपस्वी सूफी संत भगत संगीत में प्रवीण भगत कंवर राम का शहीदी दिवस था। हू लाइक कृष्णा हैड लव इन हिज हार्ट फॉर एवरीवन एंड ऑलवेज अ सॉन्ग ऑन हिज लिप्स। सादगी सादगी सहजता विनम्रता और त्याग की प्रतिमूर्ति संत कंवर राम की भजन और कलाम आज सिंधी जनमानस का अभिन्न अंग है। कहते हैं कि उनके गायन से एक मृत प्राय बालक जी उठा। राग सोरठ गाकर उन्होंने वर्षा रोक दी और संत समागम में एक जमींदार के जिद पूरी करने के लिए उन्हें राग सारंग जबरदस्ती गवाया जाने लगा, जिससे फिर वर्षा होने लग गई और कार्यक्रम को रद्द न करना पड़े इस कारण उन्हें विनती कर फिर राग सारंग बंद करवाया गया। ऐसे जादुई प्रभाव वाले थे हमारे संत कंवर राम साहब। और इतिहास की विडंबना देखिए कि 1 नवंबर 1939 सुकूर रेलवे स्टेशन पर धर्मांधों ने उनके बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उन्हें प्रणाम कर धोखे से उन पर गोली चलाकर उनकी ये लीला समाप्त कर डाली। तभी भी ईश्वर के इस बंदे ने हरे राम कहते हुए ही अपनी अंतिम सांसें ली। बोलिए स्वामी संत कंवर राम साहब की जय। अभी कुछ ही देर में जब हम अपना भक्ति संगीत शुरू करेंगे तो आप कंवर राम द्वारा रचित कई कलाम भजन सुन सकेंगे। मंगलवार जो कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी का दिन था 2 नवंबर को धनतेरस आयुर्वेद दिवस या धनवंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इसी दिन 13 दीप दानों को अत्यंत शुभ माना जाता है। धन देवता कुबेर एवं धनवंतरी की पूजा का विधान है। दैत्य राजा बलि का पृथ्वी पर आज से 3 दिन तक का राज्य माना जाता है। कहते हैं कि उन्होंने भगवान विष्णु से यह कहा था कि आपके वामन रूप को न पहचानने के कारण मैंने आपको पूरी पृथ्वी दान में दे दी, जिसे आप 3 पगों में 3 दिन में नाप गए, तो आज से लेकर 3 दिन तक पृथ्वी पर हर वर्ष मेरा ही राज्य रहे, ऐसा आप विधान कर दें। और जो मनुष्य पृथ्वी पर दीप दान करे उसके घर में आपकी पत्नी लक्ष्मी का स्थिर भाव से निवास रहे। और फिर आती है नरक चौदस या नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी, ऑल्सो कॉल्ड काली चौदस, जब कृष्ण द्वारा नरकासुर वध हुआ था, जो इस बार बुधवार यानी आज है और जिसे छोटी दीपावली के रूप में भी मनाते हैं। चतुर्दशी रात्रि देवी महारात्रि का भी प्रादुर्भाव माना जाता है, जिसे शक्ति पूजा परायण लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं। काली पूजा से शत्रुओं पर विशेष विजय प्राप्त किया जा सकता है। इस दिन के दीप दान से व्यक्ति अपमृत्यु यानी अचानक मृत्यु या अत्यंत दर्दनाक मृत्यु से भी बचता है। 6 देवी देवताओं का दिन है यह, यमराज कृष्ण काली शिव हनुमान एवं वामन का। तिल स्नान का भी विशेष महत्व है, यम के दीपक जलाने का भी। एंड ऑफ कोर्स कम्स कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या, जब सभी जानते हैं दीपावली मनाई जाती है। एंड व्हेन वी इनवोक महालक्ष्मी एज द गॉडेस श्री, दीपावली के दिन हम महालक्ष्मी के श्री स्वरूप का पूजन करते हैं। तभी तो श्री सूक्त इस दिन पूजन के दिन समय चैंट किया जाता है। 15 मंत्रों का यह मेलोडियस इनकैंटेशन डीप मीनिंग से इम्ब्यूड है। एंड इट गोस हिरण्यवर्णाम एटसेट्रा। लक्ष्मी एवं विघ्नहर्ता गणेश पूजन, दीप जलाकर जिस दिन लंका जीतने के बाद रावण की पराजय के बाद 13 साल का वनवास काटकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र अयोध्या आए और लोगों ने उनका स्वागत दीप जलाकर किया, दीपावली कहलाई। इसी कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को सुबह के स्नान के बाद देव पूजन और पितर पूजन दोनों का विधान है। वैसे तो पूरे कार्तिक महीने के व्रत को अत्यंत प्रभावशाली मानते हैं, जिसके रखने पर गरीब ब्राह्मण की पुत्री गुणवती को अपने अगले जन्म में श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के रूप में पैदा होने का सौभाग्य मिला
और इसी व्रत के फलस्वरूप श्री कृष्ण द्वारा शंखासुर का वध और वेदों का उद्धार हो सका। इसी महीने में शालिग्राम या सालग्राम, जो गंडकी नदी की तली में मिलने वाले काले रंग का गोलाकार जीवाश्म पत्थर या फॉसिल स्टोन है और जो विष्णु भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, उसके श्री विग्रह का पूजन, उसका स्नान, उस पर तुलसी का चढ़ाना और उसका मंदिर में दान भी अक्षय पुण्यकारी बतलाया गया है। इसी महीने में आंवला स्नान या आंवला के वृक्ष के नीचे दीप दान भी शुभ मानते हैं। दीपावली की श्रृंखला अभी खत्म नहीं हुई सत्संगियों। अगले दिन यानी कार्तिक कृष्ण अमावस्या के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा या सरल शब्दों में कहें तो प्रथमा, जिसे अन्नकूट या गोवर्धन पूजन के रूप में मनाया जाता है, एसोसिएटेड विद कृष्ण होल्डिंग अलॉफ द गोवर्धन पर्वत फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ हिज फेवरेट मथुरा रेसिडेंस एंड देयर आफ्टर भाई दूज और कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया। जब पूर्व काल में सूर्य पुत्री यमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया, सत्कार किया, तो यमराज इस दिन कर्म पाश में बंधे नारकीय कार्यों को भी करने वालों के प्रति थोड़े लिबरल हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। यम द्वितीया व्रत अपमृत्यु से बचाता है और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न करता है। भाई बहन के पावन रिश्ते को सुदृढ़ करने वाला यह वास्तविक रूप से सनातन धर्म का सुंदर त्योहार है। बहुत ब्रीफ करने की कोशिश करने के बावजूद उत्सव धर्मा भारत का यह प्रमुख त्योहार, ये 6 अत्यंत पावन दिन दीपावली के नाम से हम जानते हैं और मैंने इसका शास्त्रीय पक्ष रखने की थोड़ी बहुत कोशिश की। आई होप आई कुड डू इट टू सम एक्सटेंट, बट अ वर्ड ऑफ कॉशन नाउ that we are deep into festivities, moj masti, and by now fashionable Diwali parties, etc. Is beech mein, let us pause to think the why of festivals. Are they really helping us turn inwards, enabling our spiritual growth and evolution, making us more positive, humane and humble human beings, which was their original intent in any case? चित्त शुद्धि, विशुद्ध सत्व या सात्विक अंतःकरण का निर्माण, यही इनका उद्देश्य है और था सनातन धर्म में। पर क्या ऐसा हो पा रहा है, और यदि नहीं तो क्यों? सोचिए, यह सब जिम्मेवारी हम सब यह जिम्मेवारी हम सब की है। लेट मी गिव द लास्ट वर्ड टू स्वामी धर्मदास जी, जो हमें इसी चीज को रिमाइंड करते हैं। ज्यादा दुर्लभ है जन्म मानुष, आहे ज्ञान और नाम भंडार जोई, जड़ अजड़ जूनी 84 लख माही, हुए सर्व में श्रेष्ठ सरदार जोई। देव देवतियां करे जासु उपमा, केवल ज्ञान बिना मूढ़ अवध खोई, धर्मदास जिसे ज्ञान नाम नाही, पशु नीच ते नीच धरन भार होई। मानुष जन तमाम दुर्लभ एंड श्रेष्ठ, ही मिलियन दुर्लभ मानुष जन ज्ञान है चेतन जो भंडारा है, अनेक तीव्र खा सुखियों चेतनता वायुन 84 लख जूनियों माही, मानुष शरीर धारण कंदर जूनी ही सर्वश्रेष्ठ आहे। जैन जो देवियों ए देवता भी सारा कंदा ए जस गाइंदा आहे, आत्मिक ज्ञान जे बिना ही उम्र ही गुजरी थी वने। स्वामी धर्मदास जन चवन था तो आत्मज्ञान बिना जीण नीच ए पशुर जे समान आहे, ए अहड़ो जीव धरती ते अजायो बोझ आहे। आई एम श्योर धरती माता पर हम सब बोझ नहीं बनना चाहेंगे। सोक्ड इन द स्पिरिट ऑफ द फेस्टिविटीज ऑफ दिवाली, नाउ एंजॉय द भक्ति संगीत। और आज के गायक है शानवास जी।